तो बालोतरा के जसोल में रविवार को रामकथा के हादसे में घायल लोगों की हाल जानने सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के एमडीएम अस्पताल पहुंचे। सीएम गहलोत ने हादसे में मृतक अविनाश पारी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कथावाचक कथा के लिए अपना टेंट लगाने में लगे हैं, तो ऐसे हादसों की जिम्मेदारी भी उनको ही लेनी पड़ेगी। इस हादसे के लिए जोधपुर संभागीय आयुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के बाद हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के हादसों के लिए गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इसमें इस तरह के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। हादसा बहुत बड़ा हादसा, इसलिए लोग मारा जाने का लोग बच गए। कुछ लोगों ने उन्हें तत्काल कार्य पूरा जो है लोगों ने भी कह दिया अभी मिनिमम जो है घायलों को भी जो नोट में बहुत कम कह रहा था 4,000-6,000 हमने कहा कम से कम 30,000 रुपये तो मिलेंगे घायलों को। घायलों में तो जो सभी जो इंजीनियर हैं भी और मैडम ये सवाल करवा अच्छी है अस्पताल के अंदर देखो अच्छी हो रही है कोई शिकायत नहीं। सभी चौमासा है तो बाहर जगह जगह कथाएं होगी, ये कंटिन्यू चलती रहती है कथाएं वगैरह, कोई व्यवस्था बनाएंगे कथाएं इस तरह चलती है उनको बकायदे परमिशन लेनी चाहिए और अगर टेंट का काम नहीं कथा करने वाले करने लग गए कथा करने वालों को चाहिए कि टेंट जब लगाए कैसे सिक्योर हो वो दोस्तों के अंदर ये बातें जो है